नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। देखिए दोस्तों, आईटीपीपी वाले कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि उस लिस्ट में जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, काफ़ी बड़ी लिस्ट थी। मैंने पूरा डिस्क्राइब तो कर दिया था किस तरीके से आप लोगों को सभी डाटा चेक करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों के डाउट आ रहे थे, आप लोग रीड नहीं कर पा रहे थे पीडीएफ को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं, रोल नंबर है, और आप लोगों को कौन सी आरआरसी अलॉट की गई है, अलॉटेड यूनिट कौन सी है, अलॉटेड फ्रंटियर कौन सी है, अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, कैटेगरी आप लोग की क्या है, जेंडर आप लोगों का लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है, ईएसएम कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, एज रिलैक्सेशन का मेंशन किया गया है, हाइट रिलैक्सेशन का मेंशन किया गया है, इसके बाद आप लोग की हाइट दी हुई है, चेस्ट दिया हुआ है, चेस्ट एक्सपेंडेशन नॉर्मल चेस्ट आप लोग का लिखा हुआ है, प्रेफरेंस आप लोगों ने कौन कौन सी फिल की थी वो लिखा हुआ है, इसके बाद आप लोग कौन सी फोर्स अलॉट हुई है ये लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का डीएमई स्टेटस है, आरएमई स्टेटस है, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का जीआई और जीए और ईएम लिखा हुआ है, इसके बाद एचआई लिखा हुआ है, इसका बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग का स्कोर कार्ड लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज स्कोर लिखा हुआ है, यानी आप लोग का पहले स्कोर क्या था, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, ये दोनों भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, दोनों कॉलम्स दिए हुए हैं कि आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर कितना था और आप लोगों का रॉ मार्क्स कितने थे, ये दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोगों का और सभी डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है, डेट ऑफ इशुइंग ऑफ ज्वाइनिंग लेटर है, इसके बाद आप लोग किस डेट को रजिस्टर वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे इसका है, रिपोर्टिंग का यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा, और इससे आप लोगों की सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी। ये अभी यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, माफ़ कीजिएगा, 98 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स ने टॉप किया है, इसके बाद आप लोग का रोल यहाँ पर 97 है, 94 है, इसके बाद नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, और जो आईटीबीपी के ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी आप लोग का इसी बेसिस पर आ रहे हैं, यानी आप लोग की जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड हो रहे हैं। ये आप लोग की टोटल डाटा है, देखिए यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, काफ़ी बड़ी पीडीएफ बनाई है, इस कारण से एक पेज पर ही काफ़ी कैंडिडेट्स के नाम है, इसलिए आप लोगों को जूम करना होगा पीडीएफ देखने के लिए, और मैं आप लोगों को आगे पीडीएफ दिखा देता हूँ कितनी बड़ी पीडीएफ है। देखिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स हैं, यानी आईटीबीपी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेल हो या फीमेल हो, सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर है। मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ लेता हूँ, इसके बाद आप लोग को लास्ट पेज पर लेकर चलता हूँ कि लास्ट पेज पर क्या डाटा है। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम है, रोल नंबर है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनके रॉ मार्क्स दिए हुए हैं, यानी 33 लास्ट है, और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यानी 33 पर भी सिलेक्शन हुआ है और 98 पर भी आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब डाटा दिया हुआ है। आप लोग को ये डाटा का जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी डाटा है इसके अंदर, टोटली सभी आईटीबीपी वाले कैंडिडेट्स का डाटा है इसके अंदर, और आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों मेंशन किया गया है, और 98 से लेकर 33 तक, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वहाँ तक आप लोग की पूरी लिस्ट क्रिएट की गई है आईटीबीपी की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब डाउट यहाँ पर बनते हैं, क्या सीआरपीएफ, एसएसबी, आप लोग की जितनी भी फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस का इस तरीके से ही आप लोग की रैंक लिस्ट क्रिएट की जाती है? तो दोस्तों हाँ, सभी की रैंक लिस्ट क्रिएट की जाती है, लेकिन आप लोग को प्रोवाइड हो इतनी इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मेरे पास आप लोग के लिए लिस्ट आएगी तो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी कोशिश है ज़्यादातर फोर्सों की मैं आप लोगों को रैंक लिस्ट प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि आप लोग की ये रैंक लिस्ट वेबसाइट पर नहीं डाली जाती हैं, आप लोगों को हम किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करा देते हैं, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है लिस्ट आना। तो आईटीबीपी में जिनका सिलेक्शन हुआ है और एसएससी एग्जाम वॉरियर के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी फोर्सेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग के लिए भी आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग की जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लिस्ट आएगी तो आप लोग को मिल जाएगी, जो भी आप लोग का एसएसबी में सिलेक्शन हुआ हो या फिर बीएसएफ में हुआ हो, आप लोग किसी भी सीएपीएफ फोर्सेज में सिलेक्शन हुआ या फिर असम राइफल्स में हुआ हो, एनआईए में हुआ, एसएसएफ में हुआ हो, डिपार्टमेंटली नोटिस जो भी प्रोवाइड होते हैं मैं अभी तक आप लोग को प्रोवाइड कराते आ रहा हूँ, इसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंटली नोटिस रहेगा, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ। मैं आप लोगों को जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ कंप्लीट आप लोग की सही पीडीएफ होती हैं, और सभी पीडीएफ में आप लोग को डाटा दे देता हूँ कि क्या क्या डाटा लिखा हुआ है, इससे बेहतरीन आप लोग को कोई पीडीएफ नहीं मिल सकती, क्योंकि इस पीडीएफ में सभी कैंडिडेट्स के नाम है, आईटीबीपी में जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आप लोगों की टोटल लिस्ट है। अब आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लिस्ट दिखाई थी, काफ़ी बड़ी पीडीएफ थी, पूरी रीड करने के बाद मैंने आप लोगों को पूरा डाटा दिया था किस पेज पर आप लोगों को कौन सा डाटा मिलेगा। और इसमें आप लोगों को ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग रोल नंबर सर्च मारिए या फिर नेम सर्च मारिए और आप लोगों का पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा कि आप लोगों का रैंक कौन सी है, इसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, नाम, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज स्कोर, कौन सी बटालियन अलॉट की गई है, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया गया है, फ्रंटियर कौन सी अलॉट की गई है, टोटली डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर की भी लिस्ट है और फ्रंटियर की भी लिस्ट है, यानी कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया गया है उसकी भी लिस्ट है और कौन सी आप लोग का फ्रंटियर अलॉट किया गया है उसकी भी लिस्ट है। साथ में आरआरसी भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो जिस आरआरसी से आप लोग के जॉइनिंग लेटर आने शुरू होंगे वो भी यहाँ पर मेंशन है। एक जॉइनिंग लेटर तो आप लोग का आ ही चुका है, मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ जॉइनिंग लेटर, और एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये आप लोग का जॉइनिंग लेटर है जो आईटीबीपी की तरफ से निकाला गया है। बाकी सभी अपडेट्स आप लोगों को लगातार मैं देता आ रहा हूँ अपने चैनल से। देखिए दोस्तों, आप लोग का एसएसबी वाले कैंडिडेट्स का आज जॉइनिंग लेटर में निकाल दिया गया है। आप लोग का 21 तारीख को जॉइनिंग लेटर निकलना था, आज आप लोगों का जॉइनिंग लेटर निकल चुका है। 2 या 3 दिन में आप लोगों को कोई ना कोई जॉइनिंग लेटर दिखा दूंगा, या फिर कल भी जॉइनिंग लेटर आता है किसी कैंडिडेट्स के पास तो भी आप लोग को मिल जाएगा। आज अभी जॉइनिंग लेटर डिस्पैच किए गए हैं तो आप लोगों को कल से या परसों से आप लोगों को वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगे एसएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए खासतौर पर। और बाकी आप लोग का जो रैंक लिस्ट है वो अभी सीआरपीएफ की तरफ से जारी नहीं की गई है, ना एसएसबी की तरफ से जारी की गई है। अगर एसएसबी की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से रैंक लिस्ट आती है तो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी कंप्लीट डाटा के साथ। इसी तरीके से असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई भी नोटिस आता है आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। आज मैंने आप लोगों को सभी फोर्सेज का टोटली वीडियो बता दिया है कि किस फोर्सेज की ज्वाइनिंग कब हो सकती है, क्या एक्सेप्टेड डेट है और कब तक आप लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ये आप लोग की एक प्रॉपर वीडियो थी आईटीबी वाले कैंडिडेट्स के लिए, यानी आप लोग का एक प्रॉपर डाटा था इसके अंदर, तो इसको बताना ज़रूरी था और प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी था। मेरे पास ये डाटा 2 दिन से पड़ा था लेकिन वीडियो का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। अब मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया है मैंने और इसको मैंने डाल दिया है, लिंक इसका क्रिएट कर लिया है। अब आप लोगों को मैं लिंक के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है इसको रीड करने में तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप लोग को सिंपली पीडीएफ में जाकर यहाँ पर क्लिक कर अपना नाम सर्च मार लेना है और नाम के साथ आप लोग का प्रॉपर डाटा आ जाएगा, फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।